रोहित शर्मा को शतक के साथ ही मिली बड़ी खुशखबरी। मुंबई इंडियंस की मालकिन ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों आखिर क्या है वह बड़ी खुशखबरी, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो पर दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आपको बता दें कि 2023 से ही रोहित शर्मा काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया था, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, जिसके बाद रोहित शर्मा के फैंस में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अब बता दें कि रोहित शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच T20 सीरीज में रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 121 रन बनाकर सबका दिल जीत लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पारी के बाद मुंबई इंडियंस की मालकिन का एक बयान सामने आ रहा है। दोस्तों हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने कहा कि रोहित शर्मा की पारी ने मेरा दिल जीत लिया है और मैं रोहित शर्मा की बहुत बड़ी फैन हूं। आने वाले समय में रोहित की कप्तानी पर भी मैं एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई हूं। दोस्तों आपको बता दें कि इस बयान के बाद नीता अंबानी का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेज से वायरल हो रहा है। इससे अब ये रोहित शर्मा के फैंस के लिए ये खबर आ रही है कि एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।